بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله। नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है, मैंने पहले वीडियो अपने व्लॉग्स में, लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड की वो थी रिगार्डिंग फ्रांस वीज़ा। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आपके फ़ोन्स आए, आपके कॉल्स आई, आपने कमेंट्स में मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशहूर हूँ, थैंक यू वेरी मच। और आज की हमारी वीडियो है ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के बारे में, तो आई एम टू द पॉइंट चलते हैं ताकि आपका टाइम मैक्सिमम ज़ाया ना हो। मिनिमम टाइम में हम ज़्यादा एम अपना लेकर चलेंगे ताकि आप समझ सकें। व्हेन यू अप्लाई फॉर ए वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया, मीन कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा अप्लाई करते हैं, यू विल सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मीन कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। या आप भी गौर से सुन लें, तमाम खासकर वो स्टूडेंट जो कि विजिट वीज़ा पे प्लस स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया। सेकंडली, वो लोग जो अनएम्प्लॉय हैं, वो चाहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके बिजनेस करूं या जॉब करूं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। काइंडली मेरी वीडियो को आपने एक एक टिप को गौर से सुनना है और उसके बाद आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। ये उन लोगों के लिए है जो अनएम्प्लॉय हैं और कंसल्टेंट्स की डे टू डे फीस नहीं दे सकते और एजेंट्स के जासूस से बचना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ये मेरी वीडियो आपने केयरफुली सुननी है और कोशिश करनी है एंड तक सुने ताकि आपको इस वीडियो का मकसद आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, डिफरेंट लोगों के साथ वीज़े के इशू थे, काफ़ी लोगों के बेचारे परेशान थे कि कंसल्टेंट्स प्लस एजेंट्स को इतने पैसे दे दिए हैं लेकिन काम नहीं हुआ, ये डॉक्यूमेंट रह गया, फलां डॉक्यूमेंट रह गया। तो सोचा मैं एक कंप्रिहेंसिव एक जो चेक लिस्ट बनाई है, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट बेटर फ्यूचर के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे हैं, जाना चाहते हैं, ताकि उनको ईज आउट कर सकूँ, मैं सदका जारिया समझ के आप तक ये मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कैंडी अब आपने इस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि नेक्स्ट कंट्री के जो प्रोसेस हैं वो भी आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने कंट्री हैं सब के वीज़ा प्रोसेस के बारे में आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। आपका वेरी इमीडिएट जो डॉक्यूमेंट होता है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट मीन इन केस आप 6 माह की मीन 6 मंथ आप विजिट पे आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आपका मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। इन केस आप एज ए स्टडी वीज़ा जा रहे हैं तो आपका स्टडी की ड्यूरेशन जितनी भी है, 3 साल की है, 4 साल की है, वो आपका पासपोर्ट उस ड्यूरेशन के लिए वैलिड होना चाहिए। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आपका 4 साल 5 साल का नया पासपोर्ट हो, लेकिन आपका वैलिड मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। इनके 6 मंथ आपके वैलिड है, आप वहाँ जाकर भी अपने ऑस्ट्रेलियन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑस्ट्रेलियन वीज़ा फार्म। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा फार्म आपने ऑनलाइन फिल करना होता है, उसमें फिल करके अपने तमाम पार्टिकुलर केयरफुली आपने इंश्योर करना है कि जो भी पार्टिकुलर आपने उस फार्म में ऑनलाइन फिल करने हैं आपने बार बार चेक करने हैं, कमोबेश 2 बार 3 बार चेक करें ताकि आपको गलती की गुंजाइश ना रहे। आपने फार्म सबमिशन से पहले आपने बार बार चेक करना है कि आपका जो फार्म आपने फिल किया है कोई गलती, स्पेशली आपने चेक करना है कि आपके जो पासपोर्ट पे स्पेलिंग है, आपके CNS पे जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपके उस फार्म में भी होने चाहिए। इन केस आप EEE या II के स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो तो फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये आप केयरफुली आप मेरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि EEE या II ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि सी ऐसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं, आपने वही आपने नाम लिखना है जो कि आपके CNSE
और आपके पासपोर्ट पे लिखा है वही आपने वीज़ा फॉर्म में केयरफुली मेंशन करना होता है। सेकेंडली डेट ऑफ बर्थ आपने और आपके CNIC की डेट ऑफ इशू क्या है, CNIC की आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसी तरह पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या डेट है, पासपोर्ट नंबर क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो आपने केयरफुली मेंशन करनी होती हैं। उस वक्त तक आप फॉर्म सबमिट न कीजिए जब तक आप ये इंश्योर न कर लें कि आपने 2 से 3 बार अपना तमाम रिकॉर्ड वेरीफाई कर लिए। सबसे पहले सबमिट आपने बटन प्रेस करने से पहले आपने बार बार वेरीफाई करना है आपने कि क्या कहीं गलती नहीं हो, क्योंकि जब आप भेज चुके होते हैं उसके बाद रिजेक्शन आए, रिजेक्शन के बाद 2 से 3 बार लग जाते हैं और आपका जो है मैक्सिमम टाइम जो है ज़ाया हो चुका होता है। आप इस टाइम के लास्ट से बचने के लिए आपने बेसिकली इंश्योर करना है कि आपका हर स्पेलिंग 1 to Z A to Z आपका स्पेलिंग जो है ठीक लिखा हुआ है। होप यू विल स्टैंड माई दिस पॉइंट। मैं इसके पॉइंट पे जोर मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको जो 2 से 3 माह प्रोसेस में लगते हैं जब भी आपको डॉक्यूमेंट जाए ताकि वीज़ा आपका ओके होकर आए, आपके स्पेलिंग की वजह से, आपकी गलती की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज 1 आइडेंटिटी पिक्चर विद द वाइट बैकग्राउंड। आपने जो पिक्चर बनानी है पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, ये याद रखिए पिक्चर आपकी विजिबल होनी चाहिए जिसमें दोनों कान आपके नज़र आ रहे हों, आंखें नज़र आ रही हों, आपका पूरा यानी फेस आपका ढंपा हुआ ना हो, ठीक है। किसी ने अगर कोई मेरी तरह जिस तरह मैंने ऑप्टिक्स यूज़ करता हूँ, कोई बंदा अगर एनके लगाता है तो उसके जो ग्लासेस हैं ब्लैक नहीं होने चाहिए, उसके ग्लासेस जो हैं वाइट होने चाहिए ताकि उसकी आइज विजिबल हों कैमरे में, पिक्चर में नज़र आए कि ये वाकई वही बंदा है। जब आप पिक्चर पासपोर्ट के लिए बनाते हैं तो आस पास कोई भी साइड पे खिलौना या कोई टाई वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी विजिबिलिटी में फ़र्क पड़ता हो। आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो पिक्चर है इसके आप में दोनों आपके कान विजिबल हों, नाक, आँखें। हाँ, अब वो है वो पर्दा ऑब्जर्वर जो हमारी ख्वातीन हैं वो चाहती हैं कि अपना पर सर और कान ढांप के रखें, उनके लिए ये है कि उनका सर से लेकर जो है थोड़ी तक मीन के आंखें, नाक और थोड़ी और माथा उनका विजिबल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये था आपको मैंने बताया जो कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपकी जो लगानी है आपने उसका वाइट बैकग्राउंड हो और विजिबिलिटी उसकी बहुत ज़रूरी है। यानी ये नहीं कि हो सकता कि आपने एनके पहने हुए हैं, ग्लासेस पहने हुए हैं, ब्लू कलर के हैं या ग्रीन कलर के हैं, आपके आइज़ उसमें विजिबल नहीं है तो फिर आपका श्योरली वीज़ा रिजेक्ट होगा। और अगर कोई हमारी माए बहनें या सिस्टर्स हमारी बेटियाँ वो चाहती हैं कि हम पर्दा करके फ़ोटो बनाएँ तो उसके लिए भी ये वीज़ा आपका ओके नहीं होगा। पर्दे में ये मैं नहीं कहता पर्दा ना करें, लेकिन ये उनकी रिक्वायरमेंट है बेशक, तो इसलिए हर लेडी जो कि ऑस्ट्रेलियन वीज़े पर जाएगी वो इंश्योर करेगी कि उसकी विजिबिलिटी है पूरे फेस की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन इज़ फॉर दोस इन केस आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई बड़ा काम ऐसा जुर्म नहीं किया, पुलिस के रिकॉर्ड में आप नहीं हैं, तो फिर भी अगर आपने जुर्म किया है या नहीं किया फिर भी आपने पुलिस वेरिफिकेशन लेनी होती है, तब जाके आपका वीज़ा ओके होता है। पुलिस वेरिफिकेशन कंसर्न SHO नहीं देता बल्कि कंसर्न DPO देता है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप बैठे हुए हैं वो DPO मजाज है इस चीज़ का आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देने का, या वो किसी ऑफिसर को अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर देते हैं कि फलां मेरा ऑफिसर मेरे बिहाफ पे करेगा, लेकिन फॉर DPO कर सकता है। लेकिन यह कि आप ने बिल्कुल नहीं सोचना कि आपका जो SHO है वो आपको वेरीफाई नहीं कर सकता, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हमेशा DPO ही साइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द योर फाइनेंशियल कंडीशन, मीन कि आपने अपने वीज़ा फॉर्म के साथ अपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। आपने देखना है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट आपने देख लेनी है। मिनिमम आप मैक्सिमम आप कोशिश करें जितने भी फंड्स हैं आपके अपने हैं या आपके पेरेंट्स के हैं उसकी ट्रू
आपने लगानी होती है साथ बैंक स्टेटमेंट, जो क्योंकि वेरीफाई भी करते हैं, कोई भी दो नंबरी करने की कोशिश नहीं करनी है, इधर से उधर से पैर बारो करके फॉर अ टाइम बैंक लोग स्टेटमेंट बना लेते हैं और फिर दूसरे दिन पैसे निकाल के उस बंदे को वापस कर देते हैं। ये प्रोसीजर कई दफ़ा बंदे इस तरह के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। कोशिश करें जो आपके रियल फंड्स हैं वही वो आपके बैंक अकाउंट में हों, इसलिए आपने इस तरह की दो नंबरी से बचना है। इस तरह की दो नंबरी से आप बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ वेरिफिकेशन वो प्रोसेस में आता है तो फिर आपके लिए वो मसला बन जाता है। वहाँ जाके एक बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया से वापस आए या कोई विजिटर वापस आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, होता कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि एट द एंड वो मसाइल बनते हैं बच्चों के लिए। इसलिए कोशिश करें कि आपके जो फंड्स हैं उस बैंक में उतने ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के हमने बात ऑलरेडी की है, लेकिन मैं इंग्लिश वो मेरी वीडियो थी इसमें यह बात कर रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने लेनी होती है जब आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं। तो बाई एयर आप जाते हैं तो फिर भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है, वहाँ जाकर ही उसकी भी इंश्योरेंस होती है। मेन नेक्स्ट है, एक आप फॉर्म सेंड करते हैं कि रिसिपिएंट फॉर्म, ऑथराइज्ड रिसिपिएंट फॉर्म, मीन कि एक मजाज बंदे को आप अपना 30 लेटर सेंड करके देते हैं। इनकेस आप कंसर्न द ऑफिस में नहीं जाना चाह सकते, जाना नहीं चाह रहे, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे जो स्टडी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो अपने ब्याह पे किसी पेरेंट को या किसी भाई को कह सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट आपने कलेक्ट करना है। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई बंदा कलेक्ट कर सकता अपना शिनाख्ती कार्ड दे के और 30 का लेटर दे के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एविडेंस ऑफ टेम्परेरी स्टे। जब आप मुल्क छोड़ते हैं, जहर आपने कहीं ना कहीं तो रहना होता है, वहाँ पे अकोमोडेशन जो है उसकी उसकी जो है आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगी। इनकेस आप होटल में रह रहे हैं तो होटल की या किसी के आप एज अ गेस्ट जा रहे हैं तो फिर भी उस कंसर्न बंदे का एड्रेस होता है जो स्पॉन्सर कर होता है। अगर आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस प्लस स्पॉन्सर लेटर साथ लगता है, जिसको आप इन्विटेशन लेटर भी कह सकते हैं, स्पॉन्सर लेटर भी कह सकते हैं, जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि आपने फलां जगह जाकर आपने रिहाइश पजीर होना है। यानी जितनी ड्यूरेशन की आपकी विजिट है उस विजिट के दौरान आपने कहाँ पर रहना है उसको आप कह सकते हैं। इन्विटेशन लेटर भी है प्लस अकोमोडेशन कन्फर्मेशन भी आप कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें कवर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट विजिट पे जा रहे हैं तो आपने रिटर्न टिकट लेनी होती है, ताकि नेक्स्ट जो एम्बेसी या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इंश्योर करती है जो बंदा विजिट पे जा रहा है वहाँ जाके ये हाइड नहीं होगा, छुपेगा नहीं, वापस आएगा, ये चेक करते हैं कि वाकई इस बंदे की रिटर्न टिकट है, फिर जाके वीज़ा ओके करते हैं। जो स्टूडेंट जा रहे हैं जो उनकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है उनके लिए वन वे टिकट होती है। इसी तरह जो बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं, जो स्टे पे वहाँ लोग जा रहे हैं, मेन के जिनका 6 महीने से अब होता है तो उनकी रिटर्न टिकट नहीं होती है, वन वे टिकट होती है। डिपेंड करता है आपका वीज़ा किस टाइप का है, स्टडी वीज़ा है आपका, विजिट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, तो टूरिज्म के लहदे है, ये सारे डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ वीज़ा कौन सा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अकोमोडेशन रिजर्वेशन, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप जाते हैं अकोमोडेशन आपको रिज़र्व करनी होती है, होटल कंफर्म करता है कि फलां स्टूडेंट या फलां पाकिस्तानी हमारे पास आ रहा है, उसके इस होटल में रिजर्वेशन है, कितने नंबर रूम है, इसका ये इतना किराया इसने पे किया एडवांस, तो ये तमाम एविडेंस साथ लगाने होते हैं। ये तमाम एविडेंस लगाने के बाद आपका जो है वीज़ा कोई बंदा रिजेक्ट नहीं कर सकता, 100% श्योर होता है कि आपका वीज़ा लग जाता है। ये वो पॉइंट थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी एक पॉइंट आया कि उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या सेमी गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, वो विदाउट परमिशन इस तरह के ना स्टडी पर जा सकते हैं, ना टूरिज्म पर जा सकते हैं, ना बिजनेस पे। उनके लिए वो कंसर्न डिपार्टमेंट एक अप्रूवल लेटर देता है कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि ये जो हमारा ऑफिसर है या हमारा ऑफिस रेप है इस पर्पज़ के लिए जा रहा है, उसमें कंप्लीट डिटेल लिखी होती है, तो वो भी सारा अटैच करना ज़रूरी होता है।
तो ये थी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कैंडली आपने इसको सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट लोगों की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए आपने इस वीडियो को शेयर करना है। मैं इस वीडियो के एंड पे आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगा रहा हूँ ताकि आपको ईज़ हो, क्योंकि सब लोग चीज़ें नोट नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। आपकी ईजी के ईज आउट के लिए मैं एंड ऑफ वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री लिस्ट मैंने लगाई है ताकि इनकेस आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ये तमाम डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट ले सकें या नोट कर सकें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।